सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सर ठीक और खतरनाक हो गए। सो गाइस, आज अंकल के पास आए और हम आपको दिखा रहे हैं कि घास वाली चप्पल किस प्रकार से बनती है। पूरी प्रोसेस हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मतलब काफ़ी लोगों की डिमांड होती है घास वाली स्लीपर चाहिए, और इस टाइप की स्लीपर्स क्या है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और लोग बागों को पसंद भी आती है। मैं रियल वाली घास नहीं बोल रहा, जो मैटी आप समझ पा रहे होंगे, बहुत से दुकानदार अपने डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं, और बहुत से खासकर मैंने तो डेकोरेशन के लिए देखी है जो मैटी जो आप देख रहे हो घास वाली एक्चुअल में, और काफ़ी लोग ऐसी लगा देते हैं दुकानों के बाहर ताकि थोड़ा यूनिक लगे, हटके लगे। तो गाइस, पहले तो आप देख लीजिए सोल्यूशन है, इस बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में कर रहे हैं। तो गाइस, पूरी हम प्रोसेस अभी आज देखेंगे कैसे बनती है घास वाली स्लीपर। तो गाइस देखो, ऐसा नहीं है, मतलब ये भरूसा है, एक टाइट इसको इसलिए करा है ताकि ठीक से लग जाए और ये इधर उधर ना फैले। इसको छोटा करके इस प्रकार से, ये तो मतलब ये एक लेयर तो है ही, आप देख रहे हो घास, इस पे घास लगी हुई है एक्चुअल में, जो घास नहीं है, और एक दो तीन, तो गाइस ये तीन लेयर में स्लीपर बनेगी। अच्छा हाँ, तीन लेयर में स्लीपर बनेगी, और सोल्यूशन लगा रहे हैं अभी फिलहाल। तो गाइस, जब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, कभी आप सोचते हो कि क्या मैं फूड का वो बनाता हूँ कभी इसका, तो गाइस ऐसा नहीं है, मेरा जो प्रोफेशनल है वो स्वीज के रिलेटिव में वीडियो बनाना चाहता हूँ। वैसे वैसे कुछ लोग, आप लोगों के लिए कुछ यूनिक करने की सोचता हूँ कि आपको पसंद आए, इसलिए एक दो वीडियो स्टैक की भी मैं डालता हूँ ताकि आप कमेंट के थ्रू बताएं, बट आप कमेंट ही नहीं करते हो। कमेंट करके बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद आ रही है और किस टाइप की वीडियो आप चाहते हो, तो उस टाइप की कंटेंट आपके लिए आएंगे। और अभी कंटेंट जो वेटिंग में पड़े हुए हैं वो भी आएंगे, आप देख लें कॉन्टेंट जो पड़े हैं। पहले तो आप इसकी देखिए। तो गाइस, ये अपनी जो जो लेयर थी उस पर वो लगा दी है, अब देखिए लेयर लगा दी। अब ये अपना एक फर्मा होता है स्लीपर का, डिजाइन का फर्मा इसको बोलते हैं। अब इसको दोनों पैरों को उसमें, और ये ऊपर का जो पट्टा देख रहे हैं आप वो कट रही है। एक्चुअल में जो स्लीपर बन रही है वो फ्लिप वाली बन रही है। हाँ अच्छा, हाँ फ्लिप वाली स्लीपर बन रही है, जो फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं उसको, काफ़ी लोग वॉकर बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, जो जैसा समझ जाए वैसा है। तो आइए देखिए, वैसे तो पहले तो ये चीज़ जो है वो फर्मा जो डिजाइंस निकाला था वो डिजाइंस काट रहे हैं, जो बेस्टिंग था वो फेंक दिया। दोनों स्लीपरों की सेम प्रोसेस है, और सेम क्यों नहीं होगी गाइस, क्योंकि सेम ही बन रही है, तो एक पैर कोई थोड़ी ना एक पैर दूसरा, एक पैर दूसरा पहनेगा। मैं भी क्या बोल देता हूँ, तो इस प्रकार से ये अपना नीचे का भी तो सोल कटा है उसका, अभी इसका भी काटेंगे। तो गाइस, इसमें जो आप देख रहे हो वो कट लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसमें जो फ्लिप वाली स्लीपर बना रहे हैं उसको पीछे से निकाल लेंगे, ताकि देखो बनाने को टेम्परेली बना दें, अभी क्या है जब चीज़ बन रही है तो ठीक तरीके से बनाते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि चार दिन में ख़राब हो जाए, और चीज़ तरीके से ही बनती है, चार दिन वाली कोई नहीं बनती। इसको पीछे करके अभी इसके ऊपर सोल्यूशन लगा के इसको भी करेंगे। देखिए आप, थोड़ा थोड़ा लुक आ गया स्लीपर में, फिलहाल बनती जा रही है और लुक आता जा रहा है। देखिए अब थोड़ा सा, अब इसमें ये पैर का फर्मा होता है गाइस, पैर का फर्मा होता है ये, इसलिए लगा दिया इसमें ताकि दोनों पैर सेम फिटिंग के बने, और ऐसा नहीं कि बहुत से ग्राहकों की शिकायत होती है गाइस कि मेरे पैर में, एक पैर में ढीली हो रही है और एक पैर में टाइट हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियों के कारण ऐसा हो सकता है। बट मैं ये भी मानता हूँ कि थोड़ा अपने दाहिने और बाएं हाथ में या पैर में थोड़ा 19-20 का अंतर होता है, वो आप मानते हो क्या नहीं आप भी कमेंट करके बताना मुझे, मेरा मानना तो यही है।
तो भाई देखो बेस में जो सबसे नीचे जो सीट लगने वाली है वो ये लगेगी, इसके ऊपर भी सोल्यूशन लगाएंगे। सोल्यूशन लगा दिया इन पे भी दोनों पे। तो इनसे मतलब फर्मा निकाल लिया है क्योंकि ये सेट हो चुकी है, अब डेली या टाइट नहीं हो सकती, सेट हो गई तो इसलिए फर्मा निकाल लिया है। और बाकी आप देख ही रहे हो सेम प्रोसेस जो दोनों स्लीपर की चल रही है अभी प्रोप्रेस। तो गाइस देखिए ये जो नीचे का बेस जो सीट लगने वाली है नीचे, तब जाके अपनी स्लीपर कंप्लीट होगी। और अभी इनकी कटाई होनी है, फिनिशिंग होनी है, फिर बस लगभग आप कह सकते हो यहाँ रेडी ही है। देखिए अब इसमें आप सोच रहे होगे गाइस ये क्या चीज़ है, ये इसलिए है देखो इसमें क्या अपन ने गम लगाया पेस्टिंग वरी, और पेस्टिंग इससे दो कारण है, एक तो पेस्टिंग जो ज़्यादा भर जाती है वो बाहर आ जाएगी दबाव के थ्रू, और एक ये कि अब ठीक से दब जाएगी उसमें स्लीपर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए अब ये कटिंग हो रही है इस प्रकार से, अब दूसरे वाले की होगी। ये अपनी दोनों स्लीपर की कटिंग हो गई और लगभग रेडी है स्लीपर, आप देख सकते नीचे का सोल। और ये घास जो एक्स्ट्रा निकल रही है वो इसको काट देते हैं अभी। तो गाइस आप बताएं जरा वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके बताएं स्लीपर आपको कैसी लग रही है। तो ये फ्लिप वाली स्लीपर है, वैसे मैंने 20 में देखी है बट फ्लिप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ये कुछ लोग फैशन के तौर पर भी पहनते हैं गाइस, थोड़ी अच्छी लगती है मॉर्निंग में पहन के निकल जाओ थोड़ा लुकिंग आ जाती है। तो इस प्रकार से लोग इसको यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं देखो घास वाली फीलिंग इसमें मैं बोल सकता हूँ आ सकती है थोड़ी बहुत, बट नेचुरल जो चीज़ होती है वो नेचुरल ही है, और घास कहाँ इसमें उग पाएगी यार, कहाँ अपन दिमाग लगा रहे हैं। तो गाइस बाकी लुकिंग मैं बोल सकता हूँ वेरी नाइस लुकिंग यार, मस्त लग रही है। और आप भी बताएं कमेंट करके कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।